जो आपने रील वीडियो देखा है ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, अगर इस तरह का फोटो वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप कैसे भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास फोटो है तो फोटो लेकर बना सकते हैं या वीडियो है तो वीडियो लेकर भी आप बना सकते हैं, एंड आप किसी भी एडिटर की मदद से इसको बना सकते हैं। जो भी आपने सुना होगा वीएन है, काइन मास्टर है, कैपकट है, अलाइट मोशन है, वीटा हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल एडिटर्स आपको मिल जाते हैं प्ले स्टोर पर, तो आप कोई सा भी यूज़ करके बना सकते हैं। बिकॉज़ ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बट मैं आपको वीएन में बनाना सिखाऊंगी, बिकॉज़ वीएन में आपका वाटरमार्क नहीं आता है एंड और एप्लीकेशन में आपको थोड़ा वाटरमार्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं वीएन एप्लीकेशन में आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आपको बनाना है, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है इजीली, एंड सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। तो चलिए मैं वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको तीन फ़ोटो की ज़रूरत है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वीडियो में मम्मा पापा एंड बच्चे का फ़ोटो चाहिए है, तो आपको तीन फ़ोटो की ज़रूरत है। तो आपको फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, तो आप अपनी गैलरी में पहुँच जाते हैं, वहाँ से आप फ़ोटो ले लीजिएगा। तो चलिए मैं भी यहाँ से फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फ़ोटोज़ मैं ले चुकी हूँ। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट देखेंगे फ़ोटोज़ या वीडियो का, कि फॉर्मेट सही है या नहीं। ऐसा ये फर्स्ट फ़ोटो है, इसका फॉर्मेट फिर भी सही है, लेकिन सेकंड फ़ोटो सही से नहीं सेट है स्क्रीन पर, एंड थर्ड जो फ़ोटो है वो भी सही से सेट नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको रिसाइज़ करना है। रिसाइज़ करने के लिए आपको ऊपर ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर लास्ट वाली 9:16 वाली रेशियो लेंगे तो ये सही आएगा। आप अपने फ़ोटो या वीडियो के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सी रेशियो आपके लिए सही है, आपकी फ़ोटो या वीडियो के लिए। तो यहाँ पर ये वाली रेशियो सही है तो हम 9:16 वाली ले लेते हैं। देन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके पास वीडियो आता है देन यहाँ पर आपको उसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है। ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ म्यूज़िक पर क्लिक करना है, प्लस आइकन पर। यहाँ पर म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से ले लेंगे वो वीडियो। ओके, वीडियो लेने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसको शॉर्ट नेम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर ऐसे इसको ओके कर सकते हैं। ओके कर लें, उसके बाद यहाँ से आपको चूज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर म्यूज़िक बीट्स का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको फ़ोटो को ट्रिम करना है तो यहाँ पर बीट मार्क लगाकर आप फ़ोटो को ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बीट्स नहीं है, ये जो ऑडियो है इस ऑडियो को हम ऐसे ही कर लेते हैं, यानी कि मैं ड्यूरेशन आपको हर फोटो का बता दूंगी तो आपका फ़ोटो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बीट्स लगाने में, यहाँ पर हम डायरेक्टली टिक कर लेंगे। यहाँ पर मैं पहले फ़ोटो को ट्रिम कर लेती हूँ। ट्रिम करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हर फोटो का ड्यूरेशन आपको कितना रखना है, जिससे कि आपका वीडियो सही से बन जाए। ओके, तो यहाँ पर ड्यूरेशन मैं सेट कर चुकी हूँ। ड्यूरेशन आपको फर्स्ट फोटो का रखना है 2.7 सेकेंड एंड दूसरे फोटो का रखना है 2.33 सेकेंड एंड थर्ड जो फोटो है उसका आपको रखना है 3 सेकेंड। दोस्तों हम एफएक्स यूज़ कर लेते हैं। फोटो में आपको यहाँ एफएक्स के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट फोटो में आप एफएक्स कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि आपको यही एफएक्स लगाना है, बिकॉज आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो भी एफएक्स आपको पसंद आए आप वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो जिटर डाउन लगा सकते हैं तो भी चलेगा, या जिटर आप लगा सकते हैं या फिर फ्लिकर लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप लगा सकते हैं, जूम आउट या स्लाइड राइट कैसे भी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी जूम इन वाला एंड इसको आपको पूरा लगाना है, यानी 0.90 सेकेंड के लिए आएगा तो आपको पूरा लगाना है। ओके, दूसरा भी अगर आप लगाएं तो आप पूरा ही लगाएं जितना आता है। ओके, उसके बाद इसको अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं या फिर आप दूसरे फ़ोटो में दूसरा एफएक्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तीनों में अप्लाई टू ऑल कर लूँगी, आप चाहें तो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट एफएक्स यहाँ से लगा सकते हैं। एंड ऑल करने पर एक बार प्ले करते हैं। या आप चाहें तो बच्चे की फ़ोटो में अलग एफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप बच्चे के फ़ोटो में जिटर डाउन लगा सकते हैं एंड इसको आपको सबको आपको स्टार्टिंग से ही लगाना है।
यहाँ से लेकर एंड फुल लगाना है 1.30 सेकंड के लिए। प्ले करके दिखा देती हूँ आपको, म्यूजिक आपको सुना नहीं सकती लेकिन आप प्ले करके देख सकते हैं कि वीडियो का व्यू कैसा रहेगा। अब दोस्तों फोटो के ऊपर अगर आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, मम्मा पापा का टेक्स्ट डालना है तो। टेक्स्ट डालने के लिए आपको यहाँ पर टैप टू ऐड सबटाइटल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं ये लाइन वाला यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको पापा टाइप करना है इस तरह से, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। आप एक कलर अगर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, मैं ब्लैक कर लेती हूँ। ओके, एंड फॉन्ट हम थोड़ा स्टाइलिश सा ले लेते हैं तो हम ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर ले। इस टेक्स्ट की ड्यूरेशन आपको पापा के फोटो तक ही रखनी होगी। अब मम्मा के फोटो के ऊपर आपको टेक्स्ट डालना है तो आपको उसी लाइन पे करना है। एक बार इस तरह से क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वही वाला फॉन्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आपको मम्मा टाइप करना है। ओके, मम्मा टाइप करेंगे एंड यहाँ पर आप कलर चेंज कर लेंगे, ब्लैक करेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको फॉन्ट्स इसका चेंज करना है तो इस तरह से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर लें। ओके, एंड यहाँ से आप इसको लें तो ये मम्मा हो गया। अब इसको भी आपको स्प्लिट कर लेना है। अब दोस्तों बारी आती है बच्चे के टेस्ट की। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने अगर ये वाला रील वीडियो देखा है, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा तभी आप इस वीडियो पर आए हैं, आपने अगर ये रील वीडियो देखा है तो इसमें बच्चा बोलता है, आपने सुना होगा, ए निये बोलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे वीडियो में डाला हुआ है, जो चाइनीज़ भाषा नहीं जानते हैं उन्होंने इट्स मीए डाला हुआ है सबने अपनी वीडियो में, लेकिन इट्स मीए नहीं है, ए निये का मतलब होता है आई लव यू, यानी कि वो अपनी मम्मी पापा को चाइनीज़ भाषा में बोल रहे हैं ए निये, यानी कि आई लव यू मम्मी पापा। ओके, तो मुझे भी पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, बट मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि ए निये का मतलब होता है कि आई लव यू। ओके, तो आप चाहें तो इट्स मीए डालें या आप चाहें तो ए निये डालें, तो जो भी आप चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डालना चाहें। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि टेक्स्ट डालना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको टेक्स्ट डालना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डालें। ओके, क्योंकि मैं गलत आपको बताऊँगी नहीं और सही यहाँ पर फिट नहीं होगा, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डालें। ओके, अब आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आपको क्या करना है, आपका वीडियो जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट ओरिजिनल इनेबल रखना है, डिसेबल नहीं करना है, जैसे कि इनेबल है मेरा ऑलरेडी तो आपको इनेबल कर लेना है। एंड यहाँ से आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेव टू एल्बम का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका वीडियो गैलरी में सेव हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।